नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। कमलेश तिवारी के परिवार से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कमलेश तिवारी के परिजनों ने जताई नाराजगी। कमलेश तिवारी के हत्यारोपी गुजरात के सूरत से गिरफ्तार, पकड़े गए युवक ने अपना जुर्म किया स्वीकार, पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश। पकड़े गए साजिशकर्ताओं में एक दर्जी तो दूसरा बेचता है साड़ी, तीसरा करता है जूते की दुकान पे काम, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम। कमलेश तिवारी के बेटे ने NIA से मामले की जांच कराने की रखी मांग, कहा नहीं है प्रशासन पर भरोसा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने की 285 रैलियां, CM खट्टर ने की 77 सभाएं, कई स्टार प्रचारकों ने भी लगाया दम। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी राज्य में की 5 रैलियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 9 चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को लेकर बोले नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, कहा मेरे प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा रहे हैं पीयूष गोयल। महाराष्ट्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता पंकजा मुंडे हुई बेहोश, नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लिफ्ट और दरवाजे के बीच फंसने से 9 साल की बच्ची की मौत, बॉडी को चीरते हुए चला गया एलिवेटर, हैदराबाद की है घटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिहार में दर्ज हुआ क्रिमिनल केस, बिहारियों पर दिया था विवादित बयान। कांग्रेसी नेताओं ने पोस्टर लगवाकर सावरकर को बताया गद्दार, कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश का है मामला। शनिवार को अमित शाह के हेलीकॉप्टर की करवाई गई आपात लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे गृहमंत्री। राजस्थान में लड़कियों के स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे जवान शिक्षक, प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने जारी किया फरमान। अलीगढ़ में जाट नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा AMU के लिए जमीन दी लेकिन नहीं मिला क्रेडिट। दिवाली से पहले योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन के साथ मिलेगा बोनस। आध्यात्मिक गुरु के लिए भगवान के घर, इनकम टैक्स के पड़े छापे, 400 करोड़ की नकदी रसीदें, 18 करोड़ का विदेशी मुद्रा के साथ करोड़ों नकद बरामद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर बने पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, CBI विवाद को लेकर सुर्खियों में आया था KV चौधरी का नाम। भारतीय रेलवे ने रद्द की 250 से ज्यादा ट्रेनें, 170 से ज्यादा ट्रेनों के बदले गए रूट, रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। विक्रमशिला ट्रेन का AC खराब रहने के बावजूद भी भागलपुर से हुआ रवाना, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। UP के कन्नौज में असली किन्नरों ने नकली को निवस्त्र कर जमकर की पिटाई, कहा नहीं सहन करेंगे बदनामियों को। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में BTech छात्रा की चाकू मारकर हत्या, हत्या करने के बाद नाबालिग ने 8वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वीरेंद्र सहवाग प्यार के पिच पर हो गए थे बोल्ड, सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ शेयर की तस्वीरें। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने शिवसेना से मिलाया हाथ, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर निभा सकते हैं अहम भूमिका। परीक्षा में नकल रोकने के लिए अपनाया अजब तरीका, सभी छात्रों के सिर पर रख दिया गट्टे का डब्बा, कर्नाटक के हावेरी के एक कॉलेज का है मामला। उत्तर पूर्वी मानसून ने दी दस्तक, दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।